कोरोना वायरस के बारे में अब तक की जानकारी के मुताबिक ये सिर्फ संक्रमित व्यक्ति से सीधे शारीरिक संपर्क में आने, रोगी की छींक, लार या रोगी द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं जैसे मास्क, कपड़े आदि के सीधे संपर्क में आने से फैल सकता है। ये वायरस किसी भी सतह या वस्तु पर 3 से 4 दिन तक सक्रिय रह सकता है। संक्रमण को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें संक्रमित रोगियों, संदिग्ध या फिर संक्रमित क्षेत्र के संपर्क में आने वाले लोगों को एकांतवास की सलाह दी गई है। कोविड-19 के लक्षण 5 से 14 दिन के अंदर नजर आने लगते हैं, इसलिए किसी भी संपर्क को सावधानी के तौर पर अपने घरों में ही खुद को अलग कर लेना चाहिए। संपर्क में आया व्यक्ति घर के किसी हवादार अटैच बाथरूम कमरे में ही सीमित रहे और परिवार के बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और सहरुग्णता वाले लोगों से दूर रहे। हर समय सर्जिकल मास्क पहने, मास्क को हर 6 से 8 घंटे में बदले और इनको उचित तरीके से नष्ट कर दे। बार बार हाथों को साबुन या अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर से अच्छी तरह धोएं। अपने खाने पीने के बर्तन, तौलिए, बिस्तर जैसे सामान अन्य सदस्यों से साझा ना करें। इस बीच अगर बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को सूचित करें या 0112397804 पर फोन करें। परिवार का सिर्फ एक सदस्य ही क्वारंटीन व्यक्ति की देखभाल करे और गंदे लिनन या त्वचा के सीधे संपर्क में आने से बचे। मास्क और डिस्पोजेबल दस्तानों का उपयोग करे। क्वारंटीन व्यक्ति के कमरे और फर्नीचर आदि को रोजाना 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल से साफ करते रहें। घरेलू क्वारंटीन की अवधि 14 दिनों के लिए या जिस संदिग्ध से संपर्क हुआ है उसकी जांच रिपोर्ट निगेटिव आने तक होगी। आम लोगों के लिए भी सतर्कता बरतनी जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार दिन में कई बार साबुन या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से हाथ धोएं। खांसते और छींकते समय मुंह को ढक कर रखें। भीड़ वाली जगहों और किसी भी तरह के समारोहों से दूरी बनाए रखें। कोरोना वायरस प्रभावित जगहों पर यात्रा करने से बचें। खांसी बुखार को नजरअंदाज न करें। कच्चे पदार्थ और सी फूड न खाएं। लोगों को चाहिए अफवाहों पर ध्यान न दें और गैर आधिकारिक सूचनाएं साझा न करें। कोरोना वायरस नया संक्रमण है, इसके लिए अभी कोई दवा उपलब्ध नहीं है। घरेलू, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी नुस्खों के बारे में भी किसी तरह की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं की गई है। इसकी फिलहाल एक ही दवा है। सतर्कता और लक्षण दिखने पर डॉक्टर से संपर्क।